नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर आते हैं राजस्थान से उड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव में सभी पॉलिटिकल पार्टी जमकर प्रचार कर रही है। नेता अलग अलग अंदाज में जनता के बीच जाकर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। इस बीच राजस्थान के नीमा हेड़ा से एक वीडियो सामने आया है जहाँ राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा नाचते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने तंज कसा है। जयंत चौधरी ने अपने सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर कहा, मैं उत्सव का माहौल बनाने और युवाओं को शामिल करने की जरूरत को समझ सकता हूं, लेकिन राजस्थान में राजनीतिक कार्यक्रमों पर डांस अब थोड़ा नाटकीय और हास्यपद लग रहा है। दरअसल सोमवार को पीसीसी चीफ चित्तौड़गढ़ के नीमा हेड़ा में कांग्रेस के प्रत्याशी उदयलाल आंजना के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। डोटासरा यहां कुछ देरी से पहुंचे, लेकिन आते ही उन्होंने मंच पर वहां के स्थानीय गाने पर जमकर डांस किया। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी डांस किया। इन दोनों नेताओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सोमवार रात को कोटा बूंदी सीट से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में प्रचार किया। लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति की है। जब चुनाव आते हैं तो कुछ राजनीतिक दल आपके बीच में आकर जाति और धर्म की बात करते हैं, इस देश को बांटने की बात करते हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारा देश पहले काबिलों व जातियों में बटा हुआ था। विदेशी आक्रांताओं ने हजारों सालों राज किया। हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद उनको आज़ादी मिली। सीएम ने कहा, आज भी ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, कमज़ोर करना चाहती हैं। वो लोग जब चुनाव आता है तो जातिवाद का नारा देते हैं, धर्म की बात करते हैं, वो आपस में एक दूसरे को बांटना चाहते हैं। 70 साल के अंदर इस देश में जो कुछ भी हुआ है वो आपने देखा है। तुष्टीकरण के आधार पर उन्होंने राजनीति की, उन्होंने भ्रष्टाचार, लूट और झूठ की राजनीति की है, और आज भी वो सपने दिखाने का काम कर रहे हैं। आप इनके पिछले विधानसभा और लोकसभा के घोषणा पत्र को देख लीजिए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। युवाओं को 3500 की बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। रिपीट, आप इनके पिछले विधानसभा और लोकसभा के घोषणा पत्र को देख लीजिए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। युवाओं को 3500 बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, बिजली के दाम 6 बार बढ़ाए गए। वहीं दूसरी ओर भाजपा जो बोलती है वो करके दिखाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए आज टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर जनसभा को संबोधित किया। टोंक सवाई माधोपुर से भाजपा ने निवर्तमान सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने उनियारा विधायक हरीश मीणा को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार कल शाम को समाप्त हो जाएगा। दूसरे चरण में प्रदेश की 13 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। टोंक सवाई माधोपुर सीट बीजेपी के लिए बेहद कांटे की टक्कर वाली बताई जा रही है। भाजपा प्रत्याशी जौनापुरिया का कहना है कि मोदी की जनसभा में शामिल होने के लिए यहां करीब 1 लाख से ज्यादा की भीड़ जुट रही है। केंद्रीय मंत्री और बाड़मेर लोकसभा के प्रत्याशी कैलाश चौधरी का एक स्पीच में कहा गया कि हम सीमा पर रहने वाले लोग हैं, इस देश के बॉर्डर पर रहने वाले लोगों पर देश के दुश्मन देशों की नजर है। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों की नजर इस सीट पर है। पूरे देश में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों की एक ही मंशा है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आए। ये तो तय है कि जनता के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग कितने भी प्रयास कर ले, जब तक नरेंद्र मोदी जी आपके दिलों में हैं, जब तक कोई उनको हटा नहीं सकता है। ये बात कैलाश चौधरी ने रविवार शाम को हुई बाईतू जनसभा में कही। जनसभा को संबोधित करते हुए कैलाश चौधरी ने कहा कि अब टुकड़े टुकड़े गैंग की नजर बाड़मेर जैसलमेर सीट पर है। बॉर्डर पर ये सीट ऐसे लोगों के हाथों में चली जाए जिसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठ शुरू हो जाए, इसलिए पूरे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग लगे हुए हैं और पाकिस्तान भी लगा हुआ है।
इस प्रकार से राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति जीत नहीं पाए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कुल 12 सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव संपन्न हुए थे। फलौदी सट्टा बाजार में कुल 12 संसदीय क्षेत्रों पर जीत और हार को लेकर आकलन आ गया है। हालांकि परिणाम 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पूर्व पहले चरण में जीत हार को लेकर सट्टा बाजार का आकलन आ गया है। फलौदी सट्टा बाजार 19 अप्रैल को संपन्न हुए 12 लोकसभा सीटों में से 6 सीटों पर स्पष्ट भाजपा के भाव बता रही है, वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस के स्पष्ट भाव बताए जा रहे हैं, जबकि सीकर सीट पर भयंकर टक्कर बताई जा रही है। अन्य 3 सीटों पर भाव आना अभी बाकी है। भरतपुर, करौली, धौलपुर सीट और दौसा सीट में अब तक भाव नहीं खोले जा रहे हैं। गंगानगर, बीकानेर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर व नागौर में भाजपा के स्पष्ट भाव है। वहीं चूरू, झुंझुनू सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है, जबकि सीकर सीट पर भयंकर की टक्कर बताई जा रही है। तीनों सीटों पर भाव अभी तक नहीं खुले हैं। सट्टा बाजार में 3 सीटों पर भाव नहीं आए हैं, इसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है।